दोस्तों दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है और जो चीजें पहले हाथों से बनाई जाती थी उन्हें अब मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जिन चीजों को पहले बनाने में घंटों लग जाते वो अब बस कुछ सेकंड में ही बन जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही फैक्ट्रियां दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप जरूर चौंक जाओगे। दोस्तों शाउट आउट पाने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है ब्रेड। दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए आटे और पानी को एक ब्लेंडर में डाला जाता है। ये ब्लेंडर आटे और पानी को मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर देता है। इन सारी सेटिंग्स को आगे लगे पैनल्स की मदद से चेंज किया जा सकता है। आटा अच्छे से मिक्स होने के बाद उसे दूसरे मशीन में डाला जाता है जो इस बड़े आटे के गोले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। पूरे समय इसके ऊपर सूखा आटा डाला जाता है ताकि ये मशीन पर चिपके ना। अब इन आटे के गोलों को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास ले जाया जाता है। ये मशीन इनके अलग अलग शेप्स बनाकर नीचे बसे कंटेनर में डाल देता है। कुछ शेप्स गोल होते हैं तो कुछ शेप्स लंबे। अब इन्हें काफी बड़े कन्वेयर पर ले जाया जाता है जहां पर सबसे पहले इसका टेम्परेचर घटाया जाता है। अब इसके ऊपर अलग अलग टॉपिंग्स जैसे कि ड्राई फ्रूट्स डाली जाती है। इतना होने के बाद अब उन्हें ओवन के नीचे से गुजारा जाता है। 15 से 20 मिनट तक पकने के बाद ये फूल कर लाल हो जाते हैं। अब इन ब्रेड्स की पैकिंग की जाती है और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर दो पर है टोस्ट। दोस्तों नाश्ते में चाय के साथ टोस्ट खाना किसे पसंद नहीं होगा, पर क्या आपको पता है कि आखिर में उसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की शुरुआत होती है आटे से। सबसे पहले आटे को एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में डाला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है और ब्लेंडर को ऑन किया जाता है। अब आटा अच्छे से गूंदने के बाद उसका वजन करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब इन्हें लंबा करके इन्हें ट्रेस में डाल दिया जाता है। ये ट्रेस लोहे के बने होते हैं ताकि वो जल्दी से पक पाए। अब इन्हें भट्टी में डालकर पकाया जाता है। आधे पकने के बाद इन्हें ट्रे से बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रे से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक जगह पर जमा किया जाता है। अब उसे कटिंग मशीन के नीचे से गुजारा जाता है जो इन ब्रेड्स को टोस्ट के आकार में काट देता है। अब इन टोस्ट को एक नए ट्रे में रीअरेंज किया जाता है। अब इन सारे ट्रेस को ओवन में डाला जाता है। ये ट्रेस ओवन के अंदर घूमते रहते हैं ताकि वो जल न जाए। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये टोस्ट क्रिस्पी हो जाते हैं तब उन्हें बाहर निकाला जाता है। बाद में इन्हें गिनकर इनको पैक किया जाता है और आपके नजदीकी स्टोर्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको इंग्लिश लिखने या समझने में प्रॉब्लम होती है तो हम आपके लिए लाए हैं काफ़ी बेहतरीन ऐप जिसका नाम है यू डिक्शनरी। इसे यूज करने के लिए आपको बस डाउनलोड करना है यू डिक्शनरी ऐप, उसके बाद सेटिंग्स में जाकर मैजिक ट्रांसलेट टूल को एनेबल कर दो और फिर अपने मैसेज पे जाके क्लिक करो, वो अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। यदि आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाती है तो उसके लिए आपको मैजिक टूल पे क्लिक करना है, फिर ग्रामर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, फिर सर्च बार को अपने टेक्स्ट पे लेके जाओ
और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप, ये आपकी इंग्लिश को 100 गुना ज्यादा अच्छा बना देगी। हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नंबर 3 पर है ओरियो बिस्किट। दोस्तों ओरियो बिस्किट को काफी टेस्टी माना जाता है, आप में से कितने जनों ने इस बिस्किट को खाया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे बनाने की शुरुआत की जाती है शक्कर से। सबसे पहले शक्कर को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है, बाद में उसमें कोको पाउडर मिलाई जाती है। सही टेस्ट मिलने के लिए इन्हें सही प्रोपोर्शन में मिलाना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नमक और कोनोला ऑयल मिलाया जाता है जो इस पूरे सूखे मिक्सचर को आटे का रूप दे देगा। अब उसमें पानी मिलाया जाता है जिसके बाद ये किसी चॉकलेट सूप की तरह दिखना शुरू हो जाता है। अब उसमें ड्राई आइस डाली जाती है जिससे ये मिक्सचर एकदम से ठंडा हो जाता है। अब उसमें आटे और सोडा को मिलाया जाता है। सही जाड़ी का होने के बाद वर्कर इसे ब्लेंडर से बाहर निकालते हैं। अब इसे मोल्डिंग मशीन के अंदर घुसाया जाता है। यह मशीन आटे को बिस्किट का आकार दे देता है और उस पर कंपनी का लोगो भी प्रिंट करता है। इसके लिए वो स्टील से बने सांचे का इस्तेमाल करते हैं। अब एक कन्वेयर इन बिस्किट को मोल्डिंग मशीन के नीचे से निकालकर दूसरे कन्वेयर पर डालता है। अब यह कन्वेयर उन्हें गैस ओवन के पास ले जाता है जहां पर ये कई मिनट तक पकते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद इन्हें एयर ब्लोइंग फैन के नीचे से गुजारा जाता है जो उन्हें ठंडा करता है और उन्हें एक खास क्रिस्पी टेक्सचर आ जाता है। अब इन्हें दूसरे कन्वेयर पर डाला जाता है जो उनके पार्टीशन करता है। इसी कन्वेयर के कारण एक रो के बिस्किट सीधे गिरते हैं और दूसरे के उल्टे। अब इन बिस्किट को मशीन में डाला जाता है जो इन पर क्रीम लगाती है। एक पंप सही मात्रा में इन बिस्किट के ऊपर क्रीम डालता है। अब आगे इन उल्टे बिस्किट के ऊपर लगे क्रीम पर सही साइड वाले बिस्किट को रखा जाता है। इस तरह आपका ओरियो बिस्किट बनकर रेडी हो जाता है। बाद में उन्हें सही अमाउंट में अलाइन करके पैक किया जाता है। नंबर 4 पर है आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम सामने आने के बाद मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो भी फ्लेवर हमें चाहिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि वीडियो वाला लिक्विड मैंगो फ्लेवर का है। इस लिक्विड को फिर एक कंटेनर में डाला जाता है जिसके नीचे फ्रीजर लगा होता है। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड उसमें गिरता जाता है और नीचे से वो फ्रीज होना शुरू कर देता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें ऊपर से लकड़ी की स्टिक्स लगाई जाती है। जब वो पूरा बर्फ की तरह हो जाता है तो दूसरा मशीन उसी स्टिक को पकड़कर उसे बाहर निकालता है। अब इन आइसक्रीम को एक कन्वेयर पर डाला जाता है। यहां पर इन्हें प्लास्टिक के थैलियों में भरकर पैक किया जाता है। कोन वाली आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले कोन को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक नोजल के जरिए आइसक्रीम को डाला जाता है। कुछ आइसक्रीम को बड़े बड़े टब्स में भी भरा जाता है जिसके लिए बड़े नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पर है सुतली। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि सुतली को नारियल से बनाया जाता है, पर क्या आपको पता है कि आखिर कैसे? चलो आज हम आपको वो भी बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले सारे नारियलों को सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसके अंदर के कड़क हिस्सों को और बाहर के कवच को अलग किया जाता है। अलग किए हुए हिस्सों को फिर एक गाड़ी में चढ़ाया जाता है। अब इन्हें एक मशीन में डाला जाता है जो इनके छोटे छोटे हिस्से करके इन्हें पतला करता है। मुलायम होने के बाद अब इन्हें बड़े बड़े ब्लॉक्स में बांधा जाता है
इसके लिए वो इसे एक मशीन में डालते हैं जो उसे कंप्रेस कर देता है। अब इसे दूसरे फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर पहले तो उस कंप्रेस ब्लॉक को खुला किया जाता है। अब इसे दूसरे मशीन में डाला जाता है जो इसकी रस्सी बनाना शुरू कर देता है। इसके फिर बड़े बड़े बंडल्स बनाए जाते हैं और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आखिरी नंबर पर है पीवीसी पाइप। दोस्तों, पीवीसी पाइप को आजकल हर एक जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए एक मशीन में ऊपर से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाता है। यह मशीन उन प्लास्टिक के टुकड़ों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब इस पाउडर से प्लास्टिक के कैप्सूल बनाए जाते हैं, जो कि प्लास्टिक के ही होते हैं, बस छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। अब इन कैप्सूल्स को एक मशीन में डाला जाता है जो इन्हें पिघला कर पाइप का आकार दे देता है। इसके ऊपर से लगातार पानी गिर रहा होता है ताकि वो ठंडा रहे, और इस तरह बनाए जाते हैं पीवीसी के प्लास्टिक पाइप्स। दोस्तों, आपको अगले वीडियो में किस चीज का प्रोडक्शन देखना पसंद होगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के शाउटआउट्स के विनर है, पहले नंबर पर है कल्पेश नुकुम, दूसरे नंबर पर है पवन जुनारकर, तीसरे नंबर पर है धर्मेंद्र कुमार और आखिरी नंबर पर है आशीष कुमार। दोस्तों, यदि आप भी पाना चाहते हैं ऐसा ही अमेजिंग शाउटआउट, तो इस वीडियो को लाइक करके कोई अच्छी सी कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।